दोस्तों अगर आप भी विराट कोहली को एक शानदार बल्लेबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों भारतीय टीम साउथ अफ्रीका में हार के बाद अब घर वापसी कर चुकी है, जहां उसे वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू श्रृंखला में हिस्सा लेना है और इसके लिए भारतीय चयनकर्ताओं ने टीम इंडिया का ऐलान भी कर दिया है, जिसमें काफी समय बाद हमें एक बार फिर से मैदान पर कुलदीप यादव खेलते हुए दिखाई देंगे। वहीं वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू श्रृंखला में जीत के पटरी पर वापस लौटने के लिए भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने आपस में ही टीम बनाकर एक इंटर स्क्वाड मुकाबला खेला, जिसमें टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। तो चलिए दोस्तों हम आपको बताते हैं इंटर स्क्वाड मुकाबले का पूरा हाल, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल में से बेहतरीन स्पिन गेंदबाज कौन है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू श्रृंखला में टीम इंडिया के नियमित कप्तान रोहित शर्मा काफी समय बाद चोट के बाद वापसी कर रहे हैं और पहली बार दोनों ही श्रृंखला T20 और एक दिवसीय में कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। वहीं इससे पहले भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने जमकर अभ्यास करते हुए आपस में ही टीम बनाकर एक इंट्रा स्क्वाड मुकाबला खेला, जिसमें टीम इंडिया के नियमित व्हाइट बॉल कप्तान रोहित शर्मा भी जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए नजर आए। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि इंट्रा स्क्वाड मुकाबले के एक टीम के कप्तान रोहित शर्मा थे तो वहीं दूसरी टीम के कप्तान विराट कोहली थे। रोहित शर्मा की टीम में ऋषभ पंत, शिखर धवन और कुलदीप यादव जैसे धाकड़ खिलाड़ी थे, तो वहीं विराट कोहली की टीम में ऋतुराज गायकवाड़, श्रेयस अय्यर और मोहम्मद सिराज जैसे बेहतरीन खिलाड़ी थे, जिसमें रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और अपनी टीम की तरफ से शिखर धवन के साथ खुद ओपनिंग करने आए और इन दोनों ही बल्लेबाजों ने तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम का स्कोर महज 7 ओवरों में ही 90 रनों के पार पहुंचा दिया, जिसमें इन दोनों ही बल्लेबाजों ने मैदान के चारों तरफ चौके छक्के लगाए। वहीं इसके बाद विराट कोहली की टीम की तरफ से 7वें ओवर में गेंदबाजी करने आए मोहम्मद सिराज ने शिखर धवन को आउट करके पवेलियन की राह दिखा दी और अपनी टीम को पहली सफलता दिलाई। आपको बता दें कि शिखर धवन ने 15 गेंदों का सामना करते हुए ताबड़तोड़ 36 रन बनाए, जिसमें उन्होंने 2 चौके और 3 बेहतरीन छक्के लगाए। वहीं दोस्तों शिखर धवन के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए ऋषभ पंत ने अपने कप्तान रोहित शर्मा के साथ तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम का स्कोर 13 ओवरों के बाद 150 रनों के पार पहुंचा दिया, जिसमें रोहित शर्मा ने धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए महज 22 गेंदों में ही 55 रन बना डाले। वहीं इसके बाद वो ज्यादा देर तक बल्लेबाजी नहीं कर पाए और आउट होकर पवेलियन चले गए। इसके बाद ऋषभ पंत ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए विराट कोहली के सामने 15 ओवरों में 190 रनों का लक्ष्य रखा, जिसमें ऋषभ पंत ने धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए 35 गेंदों में 78 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। वहीं दोस्तों इसके बाद बल्लेबाजी करने आए विराट कोहली और ऋतुराज गायकवाड़ ने भी अपनी टीम को जबरदस्त शुरुआत दिलाते हुए 6 ओवरों में टीम का स्कोर 72 रनों के पार पहुंचा दिया और 190 रनों के लक्ष्य की तरफ तेजी से बढ़ने लगे। इसके बाद गेंदबाजी करने आए टीम इंडिया के चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव ने ऋतुराज गायकवाड़ को क्लीन बोल्ड करके पवेलियन की राह दिखाई। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए श्रेयस अय्यर ने अपने कप्तान विराट कोहली के साथ पारी को आगे बढ़ाने का जिम्मा संभाला और इन दोनों बल्लेबाजों ने अगले 11 ओवरों तक विकेट नहीं गिरने दिया और टीम का स्कोर 125 रनों के पार पहुंचा दिया, जिसमें विराट कोहली ने 23 गेंदों में शानदार 50 रनों की पारी खेली। हालांकि इसके बाद वो आउट होकर पवेलियन चले गए और उनके जाने के बाद श्रेयस अय्यर ने कुछ बड़े शॉट जरूर खेले, लेकिन अपनी टीम को जीत नहीं दिला पाए। आपको बता दें कि श्रेयस अय्यर ने 22 गेंदों का सामना करते हुए 45 रनों की बेहतरीन पारी खेली, हालांकि उनकी ये पारी उनकी टीम को जीत नहीं दिला सकी और रोहित शर्मा की टीम इस मुकाबले को 35 रनों से इसमें जीत हासिल किए। दोस्तों जिस तरीके से भारतीय खिलाड़ियों ने इंट्रा स्क्वाड मुकाबले में जोरदार खेल दिखाया है, उससे टीम इंडिया की जीत की उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं और वहीं कुलदीप यादव ने भी विकेट चटकाकर अपने फॉर्म में होने का परिचय दे दिया है। दोस्तों आप सभी को क्या लगता है वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू श्रृंखला में भारतीय टीम अपने पिछले प्रदर्शन को भुलाकर बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल कर पाएगी या नहीं? हमें अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे YouTube चैनल को।